हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूँगफली की चिक्की। तो ये आप देख सकते हैं, मूँगफली की चिक्की मैंने बनाई थी बिल्कुल ही मार्केट जैसे, एकदम से क्रिस्पी और कड़क। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मूँगफली की चिक्की कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए आपको चलना होगा मेरे साथ अपने किचन में। तो चलिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई किचन में। तो ये मैंने लिए कढ़ाई और ये लिए इतने मूंगफली। तो इसमें मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं किया, बस मैंने अपने अंदाज से ही मूंगफली ली थी। तो इतनी मूंगफली थी मेरे पास। तो ये पहले तो हम इस तरह से इसे रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए इतनी मूंगफली मैंने ली है। तो कढ़ाई में आपको धीमी आँच पर इसे सेक लेना है अच्छे से, इसी तरह से हिलाते रहना है लगातार। और ये मकर संक्रांति भी आ रही है, तो चिक्की तो मैं से बनाई नहीं थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने अच्छे से रोस्ट कर ली। धीरे धीरे करके आपको सेक लेनी है इसी तरह से, और फिर इसके छिलके निकाल लेने हैं आपको। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, अच्छे से मेरी मूंगफली हो चुकी है। तो ये मैंने निकाल ली एक बर्तन में, और इसी तरह से थोड़ी देर ठंडा होने देंगे इसे, क्योंकि गर्म होगा तो इससे छिलके नहीं निकलेंगे, और थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी तो छिलके पूरे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने छिलके निकाल लिए, वैसे ज़्यादातर नहीं निकले, थोड़े थोड़े छिलके रह गए, पर कोई बात नहीं। और ये लिया मैंने इतना गुड़। गुड़ का मेरा कोई मेज़रमेंट नहीं है, मैंने अंदाज से ही मैंने गुड़ ले लिया था। और ये मैंने कढ़ाई रख दी है फिर से गैस पर, तो हम गुड़ पकाएंगे पहले। तो ये गुड़ डाल दिया मैंने कढ़ाई में, और गैस भी मैंने ऑन कर दी। धीमी आंच पे आपको गुड़ धीरे धीरे पकाना है अच्छे से। और घी भी हम डाल सकते हैं, पर तो ये देखिए मैंने एक चम्मच घी डाला था। वैसे मैं घी कई बार मैं घी नहीं डालती, आप चाहे तो डाल भी सकते हो, पर गुड़ में ही बनाएंगे ना ये चिक्की तो बहुत अच्छी बनेगी, एकदम कड़क और क्रिस्पी, बिल्कुल मार्केट जैसी, एकदम मार्केट जैसी चिक्की बना के दिखाऊंगी आज मैं आपको। तो ये देखिए गुड़ मेरा पिघलने लगा है, और अच्छे से पिघल भी गया है। ये देखिए आपको आगे और पकाना है। और ये मैंने लिया है पानी, एक कटोरे में पानी लिया है, क्योंकि चेक करने के लिए कि गुड़ हमारा पका है कि नहीं। तो इस तरह से आपको चेक करना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है पानी में, थोड़ी देर रहने के बाद आपको देख लेना कि कड़क हुआ है कि नहीं। अगर गुड़ आपका एकदम से कड़क हो गया होगा तो समझ लेना कि आपका गुड़ पक गया है। और ये मैंने यहाँ लगा दिया है ऑयल। तो इसी तरह से आपको एक कोई छोटा सा बड़ा सा बर्तन ले लेना है, और ये मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया ऊपर से। तो ये देखिए अब अच्छे से गुड़ पक गया है। तो ये मैंने डाल दी मूंगफली, थोड़ी थोड़ी करके आपको इसी तरह से मूंगफली डालनी है, और मैंने सारी डाल दी थी क्योंकि गुड़ मेरा था, तो मैंने सारी मूंगफली डाल दी। और ये देखिए अच्छे से हिलाने के बाद मैंने इसमें लगा डाल थी थी सारी मूंगफली, और कट भी लगा दिए थे मैंने। तो इसे अब आपको होने देना है ठंडा। ये देखिए बहुत अच्छी बनी थी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और ये देखिए ये थाल मैंने उल्टा कर दिया था, और इसी तरह से मैंने निकाल ली थी, आप देख सकते हैं। ये देखिए अच्छे से जम गई है, बिल्कुल टूट भी नहीं रही थी मुझसे। ये देखिए मैंने धीरे धीरे से करके तोड़ा, कितनी कड़क हुई है आप देख भी सकते हो। और ये देखिए मैंने सारे टुकड़े कर लिए चिक्की के, तो ये मेरी चिक्की बन के रेडी है। तो इसी तरह से आपको बनानी है चिक्की।
और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आवाज़ भी इनकी दिखा रही सुना रही हूँ, क्योंकि कितनी कड़क बनी है एकदम मार्केट जैसी, और इतनी मेरी चिक्की बनी थी तो कैसी लगी।